कोरोना योद्धाओं के सम्मान के बीच देश में पहले कोरोना काल में जिले की आशा बहुओं को 4 माह से नहीं मिला है वेतन। सैकड़ों आशा बहुओं ने सीएम ऑफिस पहुँच कर वेतन दिलाए जाने की बात को लेकर सौंपा ज्ञापन। आशा बहुओं का कहना है, महामारी के बीच वेतन नहीं मिलने से हो रही है बहुत समस्याएं। आइए सुनते हैं क्या कहा आशा बहुओं ने। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम मोनी सिंह है। किस पद पे हैं आप? जी, हम आशा संगनी पद पर हैं। आज कहाँ आई हैं आप लोग? आज हम सीएमओ सर से मिलने आए हैं। क्या है मामला? ये हम लोगों से जो कार्य करवाया जा रहा है, क्योंकि हमें कोई वेतन मानदेय तो दिया नहीं जाता है, हमारे कार्यों का ही पैसा मिलता है, और 4 महीने से हमसे बराबर कंटिन्यू कार्य करवाया जा रहा है और 4 महीने से किसी काम का भुगतान नहीं हो रहा है, और हमारी आशाएं भी त्रस्त हो गई है, क्योंकि एक एक दिन में तीन तीन चार चार चीजों की रिपोर्टिंग होती है, और आशाएं तीन तीन चार चार बार गांव विजिट करती हैं, और अदर विभाग कोई कार्य नहीं कर रहा, ना आंगनबाड़ी कार्य कर रही, ना प्रधान कार्य कर, ना लेख पर, मतलब जिसका जो कार्य है कार्य डिवाइड किया गया, उसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं कर रहा। घूम फिर के सारा कार्य आशाओं पे आ जाता है, और आशाओं के बाद संगनियों पे आ जाता है, तो इसीलिए हम लोग सीएमओ सर से मिलने आए हैं। कितनी डिमांड है आप लोगों की? जो हमारी जो डिमांड है इसमें, मतलब जो एक कोरोना के लेकर है कि एक जो प्रवासी भी आ रहे हैं उनको 1,000 रुपए दिया जा रहा है, और हमारी आशाएं दिन रात काम, शाम के 12:30 है करती हैं, और उनके क्योंकि इनको कोई मानदेय नहीं है, हमको भी कोई मानदेय नहीं है, तो अगर हमारे कार्यों का पैसा दिया जा रहा है तो आप जो हमसे कार्य करवा रहे हैं उसका आप हमको भुगतान दीजिए।